फ्राइडे यानी 2 फरवरी फेमस एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की डेथ की खबर आती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है जिसके बाद सभी सेलिब्रिटीज आमजन पूनम पांडे को श्रद्धांजलि देने लगते हैं। सर्विकल कैंसर पूनम पांडे की डेथ का रीजन बताया जाता है जिसके बाद हर कोई सर्विकल कैंसर के बारे में जानना चाहता है। अब लोग अभी तो सोशल मीडिया पर पूनम पांडे की डेथ पर हैरानी जता रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे कि अचानक से अगले दिन पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला और बताया कि वो जिंदा है। अब जैसे ही उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया उसके बाद लोगों ने भड़कना शुरू कर दिया। मौत का यूं मजाक बनाने पर एक्ट्रेस को काफी लताड़ा गया। इंटेंशन पूनम पांडे की भले ही काफी अच्छी रही हो लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा इस बात के लिए भड़क रहा है कि आखिर कोई मौत का मजाक कैसे बना सकता है। पूनम पांडे की डेथ की खबर आने के बाद पूरा दिन सोशल मीडिया पर लोग श्रद्धांजलि देते रहे, पूनम पांडे के बारे में सर्च करते रहे, पूनम पांडे की पुरानी वीडियोज को लोग वायरल करते रहे। लेकिन इसी बीच पूनम पांडे का अगले दिन ये वीडियो में आकर कहना कि वो जिंदा है लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी की मांग उठानी शुरू कर दी। अब पूनम पांडे अपनी इस डेथ न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं क्योंकि एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। पूनम पांडे के इस पब्लिसिटी स्टंट को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं और इसी बीच पूनम पांडे के खिलाफ वकील अली काशिफ ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मौत की झूठी खबर फैलाने के आरोप में पूनम की मैनेजर निकिता शर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अपनी मौत की खबर फैलाने के बाद पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया इस वीडियो के साथ उन्होंने ये बताया कि सर्विकल कैंसर जैसी जो बीमारी है इससे कई सारी महिलाएं हर साल मरती हैं, हमें इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए और ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और इसी वीडियो के बाद लोगों ने पूनम पांडे को लताड़ना शुरू कर दिया और हालात ये है कि अब पूनम पांडे और उनके मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और बताया जा रहा है कि पूनम पांडे कभी भी अरेस्ट हो सकती हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।